हेलो ब्रिलियंस, अब तक हम कॉन्ग्रेंस रूल्स के अंदर ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल कर चुके हैं, एस ए एस के कर चुके हैं, एंगल एंगल साइड कर चुके हैं, एंगल साइड एंगल कर चुके हैं। अभी हम करने जा रहे हैं पांचवा रूल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा करके बेसिक मैथ के अंदर आपको ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो बेसिक मैथ से कंसल्टेड है सब कुछ, ताकि आप अपने मैथ को और आसान कर सके अगर आपको बेसिक क्लियर है तो। ठीक है, तो अब करते हैं हम आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल। लेट अस डू। तो यहां पर आपको मिलेंगे ट्रायंगल्स जिसमें एक एंगल कोई 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमने ये एक ट्रायंगल ले लिया और दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा सा मिलेगा ताकि कंफ्यूजन हो आपको। ठीक है, तो मैंने ये दूसरा ट्रायंगल ले लिया। अब यहां पर आपको कोई जो साइडें बराबर दे रखी होती है तो कोई एंगल भी दे रखा होता है, 30 डिग्री 40 डिग्री बराबर बराबर, या फिर साइडों की मेजरमेंट दे रखी होगी। मैं यहां पे ले लेता हूं नाम एम एस पी, और यहाँ पे जो नाम है वो टी क्यू पी। पी तो पहले आ चुका, तो यहाँ पे ले लेते हैं आर। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्पेशली बात होती है कि आपको ये सिर्फ बॉक्स सा मिलता है, जो 90 डिग्री एंगल जो होता है वहां आपको बॉक्स जैसा कुछ मिलेगा, तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के डायरेक्टली इक्वल ही हो जाता है क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें फिर ट्रायंगलों के नाम लिखने हैं। अभी ये 90 डिग्री एंगल दे रखा है, हाइपोटेन्यूज का पता कैसे लगेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? तो जिस पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ हो उस पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी दो पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हाइपोटेन्यूज होगा। तो एम को छोड़ दिया तो बाकी के दो पॉइंट बचे पी एंड एस, यानी कि ये होगा हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से क्यू को छोड़ देते हैं तो बाकी दो पॉइंट बचे टी एंड आर, इसको तो उससे बना ये वाला, ये हो गए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको वैल्यू भी दे सकते हैं, 3.4 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ही 5.8 या 3.4 आपको दे सकते हैं उसी हिसाब से जो यहाँ पे दी हुई है। तो फिलहाल हम यहाँ पर निशान का इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलो निशान तो पहले करते ही रहे हैं, अभी हम यहाँ लिख ही देते हैं कि यहाँ पर लिख दिया 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ये वाली हाइपोटेन्यूज है ये भी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, फाइव सेंटीमीटर, और एक साइड और है जो कि बराबर दे रखी होगी। हम ये वाली साइड ले लेते हैं जो ये है, इसका नाम इसको मेजरमेंट है वो ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है। डन, और ये मान लेते हैं कि ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये दो बराबर दे रखी है और एक एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगलों के नाम लिखेंगे पहले, इन ट्रायंगल पी एम एस एंड ट्रायंगल, यहां क्या नाम लिया था, टी टी क्यू आर, अब हमें तीनों पार्ट्स इक्वल जो है वो लिखना है। यहां पर है पार्ट्स पी एस, जो पी एस है वो बराबर दे रखा है किसके, टी आर के। नेक्स्ट एम, और यहां लिखना है आपको कितने सेंटीमीटर, गिवन है ये। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये आपको गिवन है।
समझ गए क्या लिखा हुआ है ये? गिवन। इसके बाद है पी एस के बाद हमें गिवन है ये वाली साइड एम एस। एम एस बराबर है इसके टी क्यू के, और ये भी हमें दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखी है। तो आप ये लिख सकते हैं वैल्यू दे रखी है, और नहीं तो सिंपल सा आप लिख देंगे कि ये इतना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एंगल दे रखा है हमें ये वाला एंगल, इसे आप 3 अल्फाबेट से भी दे सकते हैं, पी एम एस या सिंपल एम लिख करके। पी एम एस बराबर में टी क्यू आर, या लिखेंगे 90 डिग्री। क्यों? यहां पर भी गिवन। अब ट्रायंगलों के नाम लिख दिए, तीनों बराबर पार्ट्स लिख दिए, इनके कारण लिख दिए। ये कारण अलग अलग हो सकते हैं जो दिए हुए होने के हिसाब से, ठीक है। और अब हमें लिखना है कौन से रूल का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। बाय यूजिंग आर एच एस राइट हाइपोटेन्यूज साइड, कोंग्रुएंसी रूल, और ट्रायंगलों के नाम लिख देंगे। अब ट्रायंगल है एक तो पी एम एस, पहला तो हम कैसे भी लिखेंगे ट्रायंगल पी एम एस कोंग्रेंट हुआ ट्रायंगल, इन दोनों भी साइडों में कॉमन निकालेंगे जो दोनों में आ रहा हो, और वो है एस। एस इसमें भी आ रहा है, एस इसमें भी आ रहा है, इसी तरह इसमें देखेंगे तो इनमें टी आ रहा है। तो पी का कोरिस्पोंडिंग पॉइंट हुआ बचा हुआ, यहां पे आर है, यहां पे बचा हुआ पी है एस और टी को छोड़ करके, तो पी का कोरिस्पोंडिंग पॉइंट हुआ आर। एम का यहां पे एम बचा है, यहां पे एस बचा है एस और टी के बाद, तो एम का कोरिस्पोंडिंग पॉइंट हुआ एस, और एस का तो निकाला ही हुआ है टी है आर एस टी। याद रखिएगा इसके पार्ट्स इक्वल के लेफ्ट में होने चाहिए और इसके पार्ट इक्वल के राइट में होने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, सिंबलिक फॉर्म में भी हमने कर दिए। अब अगर आपसे पूछ रखा होता कि आप पी एस, नहीं पी एस तो दे रखा है, पी एम और क्यू आर के बारे में क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि पी एम बराबर है क्यू आर के, क्यों? बाय सीपीसीटी। इसी प्रकार से बाकी के जो दो एंगल है वो भी बराबर होंगे, मतलब जो एंगल पी होगा बराबर होगा एंगल आर के, और इसी प्रकार से एंगल एस जो होगा वो एंगल टी के, एस पर बना एंगल टी पर बने एंगल के बराबर होगा। आप इसको ऐसे बाई सीपीसीटी लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। हमारा कॉन्ग्रेंसी के ऊपर जो बेसिक चीज है वो पूरा हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कुछ और ऐसी ही बेसिक चीज। बाय।